आइए इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थ्री कलर्स, इसकी प्राइस वही पे, इसकी इसकी प्राइस है 47,299 रुपीज़। इस पे हमारे पास कौन कौन से ना कलर अवेलेबल हैं, इसमें है जी प्रीसियम क्रश ब्लैक, प्रीसियम क्रश पिंक, प्रीसियम क्रश सिल्वर और प्रीसियम क्रश वाइट। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें ब्लैक, पिंक, सिल्वर और वाइट कलर में ये सेट अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये भी ज़रा आप अपने जहन में रखीजिएगा कि स्टोरेज के हवाले से ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ये वाला मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A51। अगर हम स्टोरेज 128 GB और 6 GB वेरिएंट में मोबाइल सैमसंग एक गैलेक्सी 51 चूज़ अगर हम करते हैं, तो उसकी प्राइस ये है 47,299 रुपीज़। अब जैसे ही हम इसके ऊपर यानी कि हम क्लिक करेंगे 128 GB और 8 GB वाले वेरिएंट पे, अब हम इसकी प्राइस देखते हैं। ये देखें 50,799। दोस्तों अगर हम ये वाला मॉडल सैमसंग गैलेक्सी A51 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम में अगर हम इसको चूज़ करेंगे, तो इसकी प्राइस हमें मार्केट में जो कि एस्टिमेट होती है वैल्यू 50,799 रुपीज़ इसकी प्राइस होगी। अगर हम ये वाला ये अगर हम इस स्पेसिफिकेशन में चूज़ करें कि स्टोरेज 128 GB 6 GB रैम, देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये ब्लू अलर्ट हो गया और ये अब इसकी प्राइस मॉडल है, मॉडल वही है सैमसंग गैलेक्सी A51, इसकी प्राइस 47,299 रुपीज़ है। यानी कि ये मॉडल प्राइस के लिहाज से और स्पेसिफिकेशन के लिहाज से दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 128 GB और 6 GB रैम, 128 GB और 8 GB रैम। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने है सैमसंग का गैलेक्सी A51। चलिए आइए इसकी फुल स्पेसिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। तो ये देखें सैमसंग गैलेक्सी A51 स्पेसिफिकेशन है। ये मॉडल रिलीज डेट 30/12/2021 में लॉन्च हुआ था। सपोर्टेड सिम सिंगल सिम, नैनो सिम, डुअल सिम अवेलेबल है और डुअल स्टैंड पर है, यानी कि दोनों इसमें स्लॉट्स मौजूद हैं जिसमें नैनो सिम इस्तेमाल होगी और ये डुअल सिम मोबाइल सपोर्टेड है। इसकी फ़ोन अगर डायमेंशन की बात करें तो 6.24 × 22.90 × 0.31 इंच इसकी फ़ोन डायमेंशन है। फ़ोन वेट 172 जी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड हो 10.01 UI 2। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसकी सैमसंग गैलेक्सी A51 की स्पेसिफिकेशन की तरफ अब हम जा रहे हैं। साथ ही साथ ये थी पहले जनरल इसका फीचर, अब हम देखते हैं इसका डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच इसका स्क्रीन साइज़ है और 1080 × 2400 इसके पिक्सल हैं। स्क्रीन टाइप सुपर AMOLED, कैपेसिटिव अपना टच स्क्रीन के साथ सुपर AMOLED कैपेसिटिव, अच्छा इसकी टच स्क्रीन है। 16 मिलियन इसके कलर है। स्क्रीन अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो ये कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 है। मेमोरी, जी हाँ दोस्तों, अब हम सैमसंग एक गैलेक्सी 51 की मेमोरी की बात कर रहे हैं। इंटरनल स्टोरेज 128 GB और रैम जी आपको मैंने जैसा कि पहले इन्फॉर्म किया कि रैम इसमें 6 GB, उसके बाद है जी और 8 GB, 6 GB वाला भी अवेलेबल है ये सेट और 8 GB में भी अवेलेबल है।
मैंने आपको पहले 6 GB की, अगर हम इसको चूज़ करते हैं मॉडल तो उसकी आपको प्राइस भी इन्फॉर्म कर दी थी, और अगर हम 8 GB वेरियंट में इसको हम चूज़ करेंगे तो वो भी प्राइस मैंने आपको पहले बता दी है। मैं आखिर में आपको दोबारा फिर इसकी 6 GB और 8 GB वेरियंट में जो प्राइस होगी वो दोबारा से आपको दिखा दूँगा। यहाँ दोस्तों इसके अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, इसका प्रोसेसर ओक्टा 3 कोर एक है, उसके बाद इसमें कॉर्टेक्स A73 GHz कॉर्टेक्स A53 इस्तेमाल किया गया है। ये ओक्टा कोर प्रोसेसर है। GPU इसमें इस्तेमाल किया गया है जनाब मारी G72MP3, यानी कि मोस्ट अपना पावरफुल इसमें प्रोसेसिंग IC इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको मल्टीटास्किंग में मसला ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, इस मॉडल में सैमसंग गैलेक्सी A51 में कौन सी बैटरी इस्तेमाल हुई है जो कि नॉन रिमूवेबल है, लीपो 4000 mAh की इसकी बैटरी है। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके कैमरे की तरफ। इसमें इस मॉडल में हमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या हमें बेटर कैमरा रिजल्ट मिलने वाला है। इसका फ्रंट कैमरा 32 MP, अपर्चर की बात करें तो इसका f/2.2 का इसमें अपर्चर इस्तेमाल हुआ है। फ्रंट फ्लैश लाइट यस, फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p एट द रेट ऑफ 30 FPS जो कि काफ़ी ये बेटर है। और बैक फ्लैश लाइट यस, बैक कैमरा, इसका जो बैक कैमरा है वो तो ये 32 MP था, इसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा इसमें ट्रिपल कैमरा इस्तेमाल किया गया है, बल्कि ट्रिपल की बजाय ये इसमें 4 कैमरा इस्तेमाल किए गए। ये देखिए, अगर मेरा इसको कैमरा, इसको मैं मोबाइल से आपको दिखाऊं, LED5 इसका कैमरा 1 2 3 4, इसमें 4 कैमरा इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए, जूम करके आपको दिखा दूँ, 1 2 3 4, 4 कैमरा इसमें लेंथ इस्तेमाल हुए। और जैसा कि आपको मैं नीचे स्पेसिफिकेशन की तरफ बता रहा था, जी हाँ दोस्तों, कैमरा 48 MP प्लस 12 MP प्लस 5 MP प्लस 5 MP, यानी कि इसमें 4 लेंस इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि 48 MP का एक इसमें एक कैमरा लेंस है, दूसरा लेंस 12 MP, फिर तीसरा लेंस 5 MP, फिर चौथा लेंस 5 MP। बैक वीडियो रिकॉर्डिंग 2160p एट द रेट ऑफ 30 FPS, 1080p एट द रेट ऑफ 30/60/120 FPS, गायरो EIS रिकॉर्डिंग के लिहाज से ये अपना कैमरा इसका इंतहाई अपना पावरफुल है। और वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 2160, जो कि काफ़ी हाई अपने क्वालिटी की वीडियो आप इसके साथ बना सकते हैं, और बेटर इस पे रिजल्ट के साथ। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, ब्लूटूथ यस, 3G यस, 4G LTE यस, FM रेडियो यस, वाईफाई यस, और इसमें मज़े की बात है NFC भी इसमें अवेलेबल है। मैं NFC के मुतालिक तो फिर मैं कहने की ये मोबाइल में इसका क्या फंक्शन होता है इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट तैयार करूँगा। अगर आपकी डिमांड होगी कि हमें ये जो मोबाइल का फंक्शन होता है NFC क्या चीज़ है, इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो तैयार हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का मॉडल सैमसंग गैलेक्सी A51 की स्पेसिफिकेशन। इसमें 6 GB रैम और 8 GB रैम में मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि 6 GB वेरिएंट और 8 GB वेरिएंट रैम में अवेलेबल है। और इसमें कि इसमें मेन चीज़ है कि भी इसमें microSD स्लॉट भी मौजूद है, ये भी आप जहन में रखें, यानी कि डुअल सिम में दोनों सपोर्टेड हैं, प्लस microSD कार्ड इस पर डेडिकेटेड स्लॉट भी मौजूद होगी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, दोबारा से मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है मोबाइल परचेस करने में कि भी हमने तो इसकी प्राइस 47,299 चूज़ की थी या हमने सुना था, लेकिन ये वेरिएंट चेक करें कि मॉडल के अंदर स्टोरेज के लिहाज से इसकी प्राइस डिफरेंट है।
मॉडल सैमसंग ए गैलेक्सी 51 ही है। ये बात थोड़ा जहन में रखिएगा, सैमसंग गैलेक्सी ए 51। इसमें जो अब प्राइस की जो वेरिएशन है ये 47,299 एस्टीमेट वैल्यू है। प्राइस लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, वो जब आप मार्केट में जाएंगे तो पता लग जाएगा। ये मैंने 128 GB 6 GB रैम वेरिएंट चूज़ किया है, ये मॉडल 128 GB और 6 GB रैम में। तो इसकी प्राइस दिखा रहे हैं जी हमें 47,299। अगर हम यही मॉडल 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम में अगर हम इसको चूज़ करते हैं तो हमारे पास इसकी प्राइस 50,799 में इन्फॉर्म कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि रैम के लिहाज से ये मॉडल दो उस पर वेरियंट में मौजूद है, 6 GB और 8 GB रैम में। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे लाजमी आपने प्रेस करना है अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस मोबाइल के मुतालिक किसी जिस चीज़ के मुतालिक चाहिए तो मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपको कमेंट्स में इसको जवाब दे सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपकी आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसका जाते हुए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दोबारा से आप कर दूं। जी हाँ, चलिए मेरी कोशिश होती है कि हमारे भाइयों को इसकी ओवरव्यू में और स्पेसिफिकेशन में मसला ना हो। ये देखें, PTE अप्रूव मोबाइल है, 1 ईयर इसकी ब्रांड वारंटी है, 24 हॉट डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले है। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था, 6.5 इंच इसका डिस्प्ले है, सुपर AMOLED के साथ, 8 GB 6 GB वेरियंट में अवेलेबल है, 4000 mAh की बैटरी है और कैमरा आपको पहले से बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।